हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्वीट पटेटो शकरकंद को कैसे बॉयल करते हैं माइक्रोवेव में, तो वीडियो लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा केजी शकला को लिए हैं हमने। तो इसको अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है, इसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको पिक कर लेंगे फॉर्क से, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको पिक करके ही माइक्रोवेव में बॉयल करते हैं। ऐसे रख देंगे तो फट जाएगा, इसीलिए इसको पिक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सभी शकरकंद को ऐसे ही पिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, सभी शकरकंद को, स्वीट पोटैटो को पिक कर लिया है हमने। अब इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो माइक्रोवेव को हमने ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं, इसको 4 मिनट के लिए टाइमर लगा देते हैं। फिर थोड़ी देर में, 4 मिनट के बाद, फिर 4 मिनट इसको पलट के फिर लगा देंगे। इस तरह 8 मिनट के लिए हम इसको बॉयल टाइमर लगाएंगे बॉयल करने के लिए। आप देख सकते हैं, 4 मिनट हो गया है। अब इसको निकाल के पलट देते हैं, जिससे चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। इस तरह बॉयल करने में स्वीट पोटैटो खाने में बहुत टेस्टी रहता है। देखिए फ्रेंड, इसको रख दिए हैं। अब इसको फिर से रख देते हैं 4 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं, लगा दिए 4 मिनट के लिए टाइमर। देखिए फ्रेंड, अब ये बंद हो पक चुका है। अब देख सकते हैं स्वीट पोटैटो तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, स्वीट पोटैटो पक के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आप भी बनाइएगा, वो ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। तो फ्रेंड, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।